परमेश्वर ने अपने मन में, अपने उद्देश्य में आपके पापों को यीशु के ऊपर में रख दिया पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर आने के पहले से। हर एक पाप जो आपने अपने जीवन में किए हैं पहले से ही, और हर एक पाप जो आप अभी से आगे करेंगे, यानी जब तक कि आप जीवित रहेंगे, आपके वो सारे पाप वर्तमान के और भूतकाल के, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पाप, ये सब ढाक दिए गए मसीह के प्रायश्चित के काम के द्वारा। Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. इफिसियों अध्याय 2:8 कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने कैसे उद्धार पाया इसके बारे में कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका क्या मतलब है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से? इसका मतलब है अनुग्रह उद्धार देता है, ये वरदान है, ये उद्धार का वरदान है, और विश्वास इसे पाता है। अनुग्रह बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, और विश्वास बताता है उसके प्रत्युत्तर में हमें क्या करना है। परमेश्वर ने जो किया उसके लिए विश्वास हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यानी अगर आपके पास बहुत विश्वास है लेकिन अनुग्रह ने कुछ नहीं दिया तो लेने के लिए कुछ नहीं है।
अगर परमेश्वर ने बहुत दिया और विश्वास के रूप में आप सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया उसमें से थोड़ा भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ कि ये दिखा सकूँ कि सब कुछ बस इसी तरह से काम करता है। केवल उद्धार ही नहीं, परमेश्वर जो भी हमें देता है ये अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही तो सिद्धांत है जो सब बातों में उपयोगी होता है। अगर चंगाई चाहिए तो ऐसा ही है। परमेश्वर की जो भी आशीष चाहिए यह हमेशा ऐसे ही है। परमेश्वर की सारी छुटकारे की आशीष अनुग्रह से दी गई, विश्वास से ली गई है। यदि आप इन बातों को अपने मन में रखें तो आने वाले कुछ हफ्तों में हम आगे बढ़ सकते हैं कि आपको अलग अलग उदाहरण से बताऊं कि कैसे अलग अलग बातें हमारे जीवन में इसके आधार पर काम करते हैं, कि हम इसे पूरी तरह से समझ लें कि हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति में कैसे उपयोग होता है। आज मैं खास करके पवित्रता के मुद्दे पर कहना चाहता हूं और कैसे पवित्रता भी इसी के आधार पर काम करती है, अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा। लेकिन पवित्रता को देखने के पहले मैं यहां पर चंगाई के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है कि आगे जाकर हम पवित्रता में देख सके। यह हमें वहां पर लेकर जाएगा बेहतर तरीके से। आइए याकूब अध्याय 5 से शुरू करते हैं, वचन 14 और 15 यहां पर पढ़ते हैं। याकूब 5:14-15, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अब चलिए यहीं पर रुकते हैं। याकूब तो पास्टर था, वो यरूशलेम के चर्च का पास्टर था और उसकी सभा के लोग भी बहुत थे। जैसे आप जानते हैं कि पेंटिकोस के दिन लगभग 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और फिर बाद में 5,000 लोगों ने, यानी इस चर्च में हजारों लोग होंगे जहां पर याकूब पास्टर था। और वो उन्हें लिखता है, चर्च के लोगों से लिखता है, कहता है क्या तुम में कोई बीमार है? पूरे संसार के बारे में नहीं कहता, वो अपने चर्च के लोगों से कहता है, पूछता है क्या तुम में कोई बीमार है? तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पेट दर्द और सिर दर्द के लिए आप चर्च के 24 घंटे की वो इमरजेंसी कॉल लाइन पर फोन करें। इसका अर्थ आप इस तरह से न लगाएं कि हर एक छोटे सिर दर्द के लिए पास्टर को बुलाएं और पास्टर आएंगे और छुटकारा देंगे आपके सिर दर्द और पेट दर्द से। क्योंकि कुछ लोग इस तरह से समझते हैं कि मैं बीमार हूं और मैं पास्टर को बुलाऊंगा। यानी जब आप इसे वचन 14 से पढ़ना शुरू करते हैं तो सच में ये बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो अक्सर आप थोड़ा सा पहले और थोड़ा बाद में पढ़ ले तो आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो चलिए वचन 13 से पढ़ते हैं। वचन 13 से पढ़े तो ये कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है बीमारी से या किसी समस्या से या जो कुछ भी हो, यदि तुम में से कोई दुखी है, भाषा बहुत ही सरल है, ये कहता है, तो वो प्रार्थना करे। सब लोग कहिए वो प्रार्थना करे। तो जो भी मेरे पास आता है तो मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आपने प्रार्थना की? हाँ, पास्टर को सबके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं, हर छोटी बात के लिए प्राचीनों को आपके घर में आके प्रार्थना नहीं करनी है। क्या आपने प्रार्थना की? मैं आपकी प्रार्थनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि मुझ में बड़ा विश्वास है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उत्तर देगा। मेरी प्रार्थना से ही नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करें तो प्रभु उत्तर देगा। जानते हैं, यानी आपने प्रार्थना की? सबसे पहले मैं ये सवाल पूछता हूँ। अब बहुत से लोगों को थोड़ी मदद चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर ली है और किसी तरह से उन्होंने बहुत से कारण के लिए अपने उत्तर को प्राप्त नहीं किया है। यानी उन्हें सहायता की ज़रूरत है, उन्हें मदद की ज़रूरत है चर्च की ओर से, प्राचीन की ओर से, पास्टर की ओर से, कि जो आत्मिक बातों को जानते हैं ऐसे लोग आकर उनकी मदद कर सके। यानी ये तो एक बिल्कुल असाधारण सी परिस्थिति है जिसके बारे में कहता है। जब वो कहता है यदि तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो ये नहीं कहता कि हर एक छोटी समस्या के लिए चर्च के लोगों को बुलवाएं। उसने पहले कहा यदि कोई समस्या हो तो पहले तुम प्रार्थना करो। यानी अभी वो कह रहा है कि कैसे, कुछ लोगों ने प्रार्थना की है लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं पाया, अपनी प्रार्थना का सकारात्मक उत्तर नहीं पाया। यानी वहां पर कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई मुद्दा है जिसके साथ में निपटना जरूरी है और इसीलिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत है, चर्च की ओर से जो ज्यादा परिपक्व है या बहुत ज्यादा जानता है। यानी वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वो प्रार्थना करे। कहता है उसके लिए प्रभु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना करे। तो प्राचीन आने पर क्या करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अनुग्रह और विश्वास कैसे काम करता है। तो जब वो आते हैं, जब प्राचीन आते हैं तो क्या करते हैं, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें।
तेल ही क्यों, जानते हैं मैंने कुछ कमेंट्री में इस तरह से पढ़ा है, कुछ कमेंट्री तो बिल्कुल बेकार है, मुझे पता नहीं कि उन्होंने इसे लिखा भी क्यों है। उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है कि तेल में किसी तरह की कुछ दवाइयां होती हैं, दवाइयों के तत्व उसमें होते, इसीलिए तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। खैर, आप डॉक्टर के पास में जाकर असली दवाइयां ले सकते हैं, क्यों ऐसे ही नारियल का तेल लगाएं। जानते हैं बहुत सी अच्छी दवाइयां हैं, और किसने कहा कि आपको दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। यहां पर तेल में दवाइयों का कोई तत्व है इसके लिए तेल का उपयोग नहीं हुआ, मुझे लगता कुछ और है। तेल पवित्र आत्मा के काम को दर्शाता है इन वचनों में, जानते हैं, यानि जब आप तेल का उपयोग करते हैं, जानते हैं, ये सच्चाई को दिखाता है कि पवित्र आत्मा आप में है। और वही तो है, जैसे रोमियो 8:11 कहता है कि ये तो वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तुम में वास करता है, तो वो तुम्हारे मरणहार देह को जरूर जीवित करेगा। ये आत्मा जो आप में है वो आपके मरणहार शरीर को आपकी बीमारी और कमजोरी से जीवित करेगा, और आपको जीवित करेगा, और आप पूरी तरह से फिर से अपनी तंदुरुस्ती में वापस आएंगे। यानि परमेश्वर का यह आत्मा आप में है। कई बार जब लोग बीमार होते हैं, वो तो बीमारी से बिल्कुल दब जाते हैं, उन्होंने बुरी खबर सुनी है, शायद उनको ऑपरेशन करना होगा, शायद डॉक्टर ने कहा होगा कि ये तो बहुत ही गंभीर केस है इस तरह से। यानी जब वो घर में आते हैं डॉक्टर से मिलकर या फिर हॉस्पिटल से आते हैं, कई बार लोग निराश हो जाते हैं, वो चिंता करने लगते हैं और डर जाते हैं बीमारी के बारे में। ये जो है मानो बड़ा बोझ उनके सिर पर आता है, शायद वो विश्वासी हों या अच्छे विश्वासी हों, फिर भी जानते हैं जब उन्हें ऐसी बातों की बुरी खबर दी जाती है तो फिर कई बार ये उन्हें इतना दबा देती है, वो तो केवल यही सोच सकते हैं कि ये बीमारी और ये सच में कितनी बड़ी समस्या है, कि ये कैसे उन्हें मार सकती हैं और ये उनके लिए बड़ा खतरा बन गई है। वो इसके बारे में सोचते हैं और ये उनकी आँखों के सामने बड़ा दिखाई देता है, और सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ, सारी बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए की हैं, वो मानो उनकी आँखों से धुंधले होते जाती हैं। अब यही बात उनके सारे ध्यान को पकड़े हुए रहती है, तो वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, भूल जाते हैं कि उनके लिए क्या उपलब्ध है परमेश्वर के द्वारा, और अभी वो केवल अपनी समस्या पर गौर करते जाते हैं। हम सब इसमें रहे हैं, हम सब बीमार हुए हैं, हमने इन सारी बातों का अनुभव किया। ये इतना दबाने वाला है कि बस आप तो उसी के बारे में सोचते हैं, और आपकी पूरी सोच तो केवल इसी से भरी है, आपकी बीमारी की चिंता के बारे में ही। अब इसीलिए वो उस व्यक्ति को तेल से अभिषेक करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कुछ अद्भुत काम करते हैं। केवल प्रार्थना ही काफी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे केवल प्रार्थना क्यों न करे, तेल क्यों लगा रहे हैं, केवल प्रार्थना ही काफी नहीं है, ये तो ऐसा कुछ है जिसके कारण वहां पर वो अपनी बीमारी और परेशानी से ध्यान हटाएगा, और अपनी सारी चिंताओं से ध्यान हटाएगा, और वो अपना ध्यान यहाँ लगाएगा इस पर, यानी इस सच्चाई पर कि परमेश्वर की आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया है। वो आत्मा आपको भी जीवित करेगी जो कि अभी जीवित हैं, फिर से तंदुरुस्ती में लेकर आएगी। उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ अद्भुत करना है। कई बार केवल साधारण प्रार्थना से बढ़कर कुछ करना यहाँ पर जरूरी होता है, और इसलिए वो तेल लगाते हैं। अब जानते हैं मैं कई जगह पर गया, प्रचार करने के लिए गया, और वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो तेल पर भरोसा करने वाले महान विश्वासी हैं, वो हमेशा तेल की बोतल के साथ में आते हैं। मैंने देखा है वहां पर लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे मैं स्टेज पर से नीचे निकलकर बाहर जाता हूं, वो सब चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करके तेल को अभिषेक दूं। तो मैं कई बार उनसे ये पूछता हूं, तेल के लिए प्रार्थना करनी है या खुद के लिए? जानते हैं, आपकी समस्या क्या है? क्या तेल को प्रार्थना करवानी है? क्या तेल बीमार है? क्या तेल बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है? क्या तेल के लिए प्रार्थना करनी है? वो कहते हैं, नहीं पास्टर, हम बस चाहते हैं कि आप इसे आशीष दे, हम इसे घर में रखेंगे, अपने घर में इसे छिड़केंगे और हमारे शरीर पर इसे लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे जब बीमार हो तो। वो बड़े विश्वासी हैं कि ये तेल किसी तरह से चमत्कार का तेल हो जाएगा, कि जब आप इसे लेकर लगाते हैं प्रार्थना के बाद में, पास्टर ने जब इसके लिए प्रार्थना की है, घर ले जाकर इसे लगाएंगे, तो ये आशीषित तेल ऐसा हो जाएगा जो उनके लिए चमत्कार उत्पन्न करेगा। मैं हमेशा उन्हें ये कहकर निराश करता हूं कि ऐसी बात नहीं है, तेल उसके लिए नहीं है, तेल इसके लिए उपयोग नहीं किया गया। वो हमेशा कहते हैं बाइबल में ये कहा गया है। जानते हैं, उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना की, तेल का अभिषेक करके प्रार्थना की, अभिषेक करना, मैं कहता तेल से अभिषेक करना अलग है और तेल के लिए प्रार्थना करना अलग है। उन्होंने तेल के लिए प्रार्थना नहीं की, उन्होंने तेल लेकर उस व्यक्ति का तेल से अभिषेक किया, ये पूरी तरह अलग बात है।
वो तेल से अभिषेक क्यों करते? क्योंकि इसके पीछे अर्थ था। वो बताते थे कि कैसे, ये बताता था कि कैसे पवित्र आत्मा आपको बल देगा, आपको जीवित करेगा। और ये तो बिल्कुल असाधारण है, ये तो प्रार्थना के साथ में कुछ और जुड़ा है। यानी वो व्यक्ति जो कि वहाँ बीमारी के कारण नीचे दबाव में दबा हुआ है, वो अब बैठकर इन बातों को देखेगा और इस बात को जानेगा कि परमेश्वर उसमें है, पवित्र आत्मा उसमें है और वो उसे फिर से जीवित करेगा। और ये सब ये केवल सहायता है, कई बार इसकी ज़रूरत है जब हम जीवन में मुश्किलों में से होकर जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग होता था। आपको सावधान रहना होगा जब आप किसी को बुलाते हैं कि वो तेल लगाकर अभिषेक करे, क्योंकि लोग तेल लाते हैं और वो आपका अभिषेक करते हैं कि आपको अंतिम बाय बाय कर दे और आपको स्वर्ग में भेज दे। वो इस बारे में सोचते हैं, वो यहाँ तक कि कहते हैं कि ये जो तेल लगाकर तेल का अभिषेक करना, ये तो आपके मरने के पहले एनबॉमिंग करना है। यानी अगर कोई तेल का अभिषेक करने वाला है तो अच्छा है कि उनसे पूछे कि वो क्या करने वाले हैं। अगर वो ये कहें हम अभी आपको बाय कर रहे हैं, तो कहिए मुझे आपको बाय नहीं करना, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, मैं आपको बाय कर रहा हूं। और ऐसे प्रचारक को बुलाए जो चंगाई के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि आपको चंगाई चाहिए, आप मरकर स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। अभी आप चंगाई पाइए, बाद में जब समय आएगा आप स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको चंगाई चाहिए। यानी ये तो तेल से अभिषेक करने के बारे में कह रहा है, चंगाई के संबंध में। हाँ, केवल चंगाई के संबंध में, ये तो उस व्यक्ति की मदद करना, उसे ये समझने में मदद करना है कि चंगाई अभी इसी समय उसके लिए तुरंत उपलब्ध है, अभी और यहाँ है। उसके लिए ये संभव है कि परमेश्वर की आत्मा जो उसमें रहती है वो उसे जीवित करेगी उस परिस्थिति में से। यानी यहाँ पर ये चित्र है कि यदि कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वो आकर उसके लिए तेल का अभिषेक करके प्रार्थना करेंगे प्रभु के नाम में। ये केवल तेल नहीं है लेकिन प्रभु का नाम है, ये तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य और अधिकार है। तेल में कुछ नहीं है, तेल तो केवल कुछ बात दर्शाता है, लेकिन जो सामर्थ्य है वो तो नाम में है, प्रभु यीशु के नाम में, ठीक है। और फिर ये कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बचेगा शब्द उपयोग हुआ है, लेकिन ये चंगाई है। देखिए, चंगाई पाना तो ये निश्चय ही देखा जाए तो उद्धार है। अगर आप बीमार हैं और चंगाई पाते हैं तो आप जानेंगे ये उद्धार है, ये एक तरह का उद्धार है। और शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा पाना ये भी तो एक उद्धार है। और किसी तरह की दुष्टात्मा की सामर्थ्य से छुटकारा पाना ये भी एक तरह का उद्धार है। पाप से छुटकारा पाना ये भी एक उद्धार है। यानी उद्धार कई तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ बच जाएगा शब्द आया है, लेकिन ये तो चंगाई के बारे में कहता है। ये कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, बीमारी के बिस्तर से उठाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अब उसने ये क्यों लिख दिया है? और फिर अगले वचन में कहता है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। यहाँ कहता अपने पापों को मान लो, और फिर यहाँ वचन 15 में कहता है यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये मुझे इस बात को दर्शाता है कि ये कह रहा है इस तरह के असाधारण परिस्थिति के बारे में। यहाँ कोई साधारण बात के बारे में नहीं, यहाँ ये कहता है उसके जीवन के बारे में कोई ना कोई मुद्दा है जिससे रुकावट हो रही है कि वो अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं पाता है, और इसलिए प्राचीनों को आना है, इसलिए तेल का अभिषेक करना है प्रार्थना के साथ में। और ये सारी बातें होती है क्योंकि खास मुद्दा है। और वो ये दर्शाता है कि ये खास मुद्दा क्या हो सकता है, शायद ये पाप हो। अब मुझे यहाँ पर पाप के बारे में कहना होगा क्योंकि मैं आगे जाकर पवित्रता के बारे में बताने वाला हूँ, और इसलिए ये तो लॉन्चिंग पैड है। पाप के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब हम बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, जानते हैं कई बार विश्वासी लोग तो सचेत नहीं होते हैं। आप सचेत नहीं हो सकते जब आप अनुग्रह के बारे में सच्चाई को नहीं जानते, जब आपको अनुग्रह नहीं सिखाया गया। जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर कोई बीमार है, दुख उठा रहा है और इस बीमारी के इस मुद्दे में से जा रहा है, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा कि आप वहां पर क्या कहते हैं। मैंने देखा है कि लोग बीमारों के पास जाकर कहते हैं ये तुम्हारे पापों के कारण है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे पाप के कारण तुम ऐसे हो, जानते हैं। अब यदि आपके पाप के कारण परमेश्वर आपको बीमार कर देगा या आप पर बीमारी आएगी, तो आज हम में से कोई भी यहां पर नहीं होता। हेलो, हम सब बीमार होते, घर में बिस्तर पर पड़े होते या फिर हॉस्पिटल में होते। प्रभु का धन्यवाद कि हम यहां बैठे हैं, प्रभु अनुग्रहकारी है। यदि एक पाप या गलती के कारण या बड़े पाप या गलती के कारण परमेश्वर तुरंत ही आपके ऊपर में कोई ना कोई बीमारी भेज दे या कहीं और से आपके ऊपर में बीमारी आ जाती, अगर एक छोटे पाप के कारण ये होता, एक पाप से यदि ये होता,
अगर ये सच होता तो जानते हैं ये बहुत ही भयानक बात होती। परमेश्वर वहां पर ऐसे बैठकर नहीं है कि बस राह देख रहा कि आप एक गलती करें फिर वो जाता है, कहता मैं तुम्हारे लिए चंगाई बंद करूंगा, तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, मैं ये बटन बंद कर दूंगा, तुम्हारे लिए कोई चंगाई नहीं, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी भीख मांगो, रोते रहो, तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। देखिए, परमेश्वर ऐसा नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर बारिश और सूरज की रोशनी पापियों पर भी देता है, यहां तक कि उन लोगों पर भी जो अपना हाथ उठाकर इस तरह से कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मूर्ख है, ऐसे लोग वो ये कहते हैं और परमेश्वर उन पर बारिश बरसाता है। क्या आज आपके घर में बारिश हुई है और आपके पड़ोसी आपको पसंद नहीं, वो भयानक पापी है, क्या उनके घर पर भी बारिश हुई थी? जी हाँ। क्या आज आपके घर में सूरज की रोशनी आई और क्या पड़ोसी के घर पर भी रोशनी आई वो भयानक व्यक्ति पर? हाँ, रोशनी आई, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लोग कई बार भयानक होते हैं लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आप जो कुछ गलती करते हैं परमेश्वर बारिश बंद नहीं करता है, सूरज की रोशनी बंद करके नहीं कहता बस यही हो गया, तुमने बहुत सी गलतियां करके रखी हैं, मैं इसे बंद कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह समझना होगा। जब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, आपके पापों से निपटा, उसने आपके पापों से निपट लिया आपके जन्म के बहुत पहले से ही। बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेमने के रूप में रखा, जो कि जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। परमेश्वर ने अपने मन में, अपने उद्देश्य में आपके पापों को यीशु के ऊपर में रख दिया, पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर आने के पहले से। हर एक पाप जो आपने अपने जीवन में किए हैं पहले से ही, और हर एक पाप जो आप अभी से आगे करेंगे, यानी जब तक कि आप जीवित रहेंगे, आपके वो सारे पाप वर्तमान के और भूतकाल के, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पाप, ये सब ढाक दिए गए मसीह के प्रायश्चित के काम के द्वारा। यही सही थियोलॉजी है, यही तो बात बिल्कुल सही है। केवल भूतकाल के पाप ही नहीं ढाके गए, हर एक पाप इसने सभी पापों से निपट लिया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पाप अभी परमेश्वर के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब मनुष्य पाप करता है तो यह उसके लिए मुद्दा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 2:20 से अगर आप पढ़ते हैं कि यदि मनुष्य का हृदय उसे दोषी ठहराए, ठीक है, यह बुरी बात है जब आपका दिल आपको दोषी ठहराए। यह कहता है कि आपका दिल आपको दोषी ठहराता है। जब आपका दिल आपको दोषी ठहराए तो आप ये भरोसा खो बैठते हैं जो आपके पास में होता है, कि परमेश्वर के सामने आए, उससे मांगे और परमेश्वर से प्राप्त कर ले। आप सारा भरोसा खो बैठते, कहते मैं सड़ा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने ये किया है, वो किया है, मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा। जानते हैं, आपके अंदर में कुछ हुआ है, परमेश्वर के अंदर में कुछ नहीं हुआ है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक ग्राम भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पाप किया है। हेलो। वो नहीं घटा है आपके लिए, परमेश्वर के प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं, देखिए, यहां पर कुछ तो भयानक रूप में आपके भीतर में हुआ है। आप खो बैठे हैं ये हियाव कि अगर आप उससे कुछ मांगते हैं तो निश्चय आप उससे पाते हैं। ये भरोसा, ये हियाव कि आपको आकर उससे मांगना है, पाना है, वो अचानक चला गया है। आप महसूस करते हैं कि ये तो मैं इसके लायक हूं, कुछ भी हो मैं तो बुरा हूं, मुझे ये और दे प्रभु, मुझे ये चाहिए और इससे भी ज्यादा चाहिए, मैं इसके लायक हूं। जानते, इस तरह ये बातें उस व्यक्ति से आती है, आप अक्सर इसे देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं सड़ गया हूं, मैं बुरा हो गया हूं, और मैं यहां पर हूं, और परमेश्वर भला है और मैं बुरा हूं, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और इसलिए जब मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु उत्तर नहीं देगा, वो मुझे नहीं सुनेगा, या चंगाई नहीं देगा, जो चाहे वो नहीं देगा। यही तो होता है। परमेश्वर आपकी आशीषों को बंद नहीं करता, आपकी चंगाई को बंद नहीं करता, और ना ही परमेश्वर किसी अलमारी के पास में जाकर कहता है कि इसने ये ऐसा पाप किया है तो चलो मैं देखता हूं कि मैं इसे कौन सी बीमारी दूं, चलो अच्छी बीमारी चुनता हूं, 10वीं बार उसने ये किया है और मैं भेजूंगा। नहीं, अगर वह ऐसा भेजना शुरू करे तो हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इसके बारे में सोचिए। मैं हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं। ये तो सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हम यहां पर हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हमारे जीवन में आशीषें बहती हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम यहाँ पर है जो करना चाहिए कर रहे हैं, और यहाँ पर हम हैं इसलिए नहीं कि हम बहुत ही अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। आमेन। Glorious, shout it out and glory.
Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious.